अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ एंड जीके विद दानिश। जैसा कि आपको पता है कि हमारा एक 2 मिनट्स कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ जो है वो चल रही है, जिसमें हम आर्टिकल वाइज जो है वो हम डिस्कस करते हुए जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। अब इसी हवाले से मैंने आपको लास्ट वीडियो में फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी का पहले डिफरेंस बताया था, ताकि जब हम आगे चलें तो हमें पता हो कि फंडामेंटल राइट्स क्या चीज़ है और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी क्या चीज़ है। तो वो वीडियो उम्मीद है आप लोगों ने देख ली होगी, अगर नहीं देखी तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ना आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप पहले उसको देख लें। अब हम फंडामेंटल राइट्स को शुरू करने जा रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स प्रॉपरली जो है ना वो आर्टिकल 8 से 28 है, लेकिन हम पहले 6 आर्टिकल्स क्योंकि कवर कर चुके हैं, आर्टिकल 1 से 6 तक, वो भी सारा प्लेलिस्ट मौजूद है 2 मिनट कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज के नाम से चैनल पर, तो आप उसमें तमाम वीडियोस आपको मिल जाएंगी। अब हम आर्टिकल 7 पे मूव करते हैं। आर्टिकल 7 जो है वो बेसिकली डिफाइन करता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, मतलब पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 73 का जो आइन है हमारे पास, उसमें डेफिनेशन ऑफ द स्टेट जो आर्टिकल देता है वो आर्टिकल 7 है, ठीक है। द स्टेट का क्या मतलब होगा? तो आर्टिकल 7 कहता है कि स्टेट का मतलब होगा फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब एग्जेक्टिव, मजलसे शूरा पार्लियामेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल एग्जेक्टिव, मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मतलब प्रोविंशियल एग्जेक्टिव, प्रोविंशियल असेंबली एंड सच लोकल और अदर अथॉरिटीज इन पाकिस्तान दैट आर बाय लॉ एम्पावर्ड टू इम्पोज एनी टैक्स और सेस। मतलब सिर्फ और सिर्फ स्टेट उसको कहा जा सकता है जो लॉ के थ्रू इम्पावर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इम्पावर्ड है, किस चीज़ के लिए कि वो कोई भी टैक्स या सेस लगा सके, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट क्योंकि कर सकती है, पार्लियामेंट लॉ के थ्रू कर सकती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल असेंबली भी लॉ के थ्रू कर सकती है, इसी तरह से अगर कोई लोकल गवर्नमेंट कहीं पर मौजूद है तो वो लोकल गवर्नमेंट भी लॉ के थ्रू ये चीज़ कर सकती है। तो ये तमाम चीज़ें कलेक्टिवली व्हाट विल बी इट विल बी कॉल्ड इट विल बी द स्टेट। तो आर्टिकल 7 डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। स्टेट क्या होगी? स्टेट का मतलब है फेडरल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल असेंबली या कोई लोकल अथॉरिटी जिसको बाय लॉ एम्पावर्ड है टू इम्पोज एनी टैक्स और सेस। तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को इस तरह से डिफाइन कर, ठीक है। नाउ मूव टुवर्ड्स आर्टिकल 8। अच्छा, आर्टिकल 8 फंडामेंटल राइट्स वाला जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना, उसका पहला आर्टिकल है, लेकिन उसमें क्या है कि कोई फंडामेंटल राइट एलिजिबल नहीं है। उसमें यह है कि सबसे पहले ये डिफाइन किया गया कि अगर कोई भी लॉ जो है पार्लियामेंट बनाती है इन डेरोगेशन या इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स, तो वो क्या होगा? वो वाइड हो जाएगा, वो नल एंड वाइड करार दिया जाएगा, क्योंकि उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होगी। और ये करेगा कौन? ये बता है, अपेक्स जुडिशरी करेगी, अपेक्स कोर्ट करेगी। तो आर्टिकल 8 का जो सबसेक्शन 1 है वो कहता है कि एनी लॉ और कस्टम और यूजेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ जिसको इनकॉन्सिस्टेंसी हो बाय दिस चैप्टर, इस चैप्टर में फंडामेंटल राइट्स इनकॉन्सिस्टेंट है, तो वो क्या होगा? जो लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वो वॉइड होगा, ठीक है। और स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती, आर्टिकल 8 का सबसेक्शन 2 कहता है कि जो कॉन्ट्रावेंशन हो टू ऑफ दिस क्लॉज, मतलब जो फंडामेंटल राइट्स की कॉन्ट्रावेंशन हो उसमें, या वो लोगों के राइट्स को अब्रिज करे, वो स्टेट जो है वो आर्टिकल क्या कहते हैं उसको वो नहीं बना सकती, लॉ नहीं बना सकती, ठीक है। सो ये आर्टिकल 8 का सबसेक्शन 1 ये कहता है कि अगर कोई लॉ या कस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो उसको, वो भी वॉइड है, उसकी कोई सैंक्टिटी नहीं है अगर वो फंडामेंटल राइट्स के या बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी पर मबनी है। जो आर्टिकल 8 का सबसेक्शन 2 कहता है वो ये कहता है कि ये जो वो लॉ है इट वुड बी क्या नाम है, अगर वो अपने स्टेट ने लॉ बनाया है और वो कॉन्ट्रावेंशन में है तो वो दैट विल बी वॉइड, ठीक है। अब वो इस आर्टिकल की प्रोविजन कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होगी? आर्टिकल 8 का सबसेक्शन 3 ये कहता है कि इसकी प्रोविजन, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, मतलब ये हमने जनरल गाइडलाइन दे दी कि ये चीज हुई तो ये होएगी, तो ये चीज वो नल एंड वॉइड होगा, लेकिन अब इसकी क्या एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन ये है कि स्टेट जो है वो इस आर्टिकल में कहाँ कहाँ ये अप्लाई नहीं हो सकता, उसमें ये कि कोई भी लॉज रिलेटिंग टू द मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस और पुलिस और सच अदर फोर्सेस, तो वो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के हिसाब से डील किया जाएगा, तो वो जो चीज़ है क्योंकि वो डिसिप्लिन के लिए नेसेसरी है, तो ये चीज़ वहाँ पर अप्लाई नहीं होती, क्योंकि उनको डिसिप्लिन करने के लिए नेसेसरी है। और इसके अलावा जो फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड इन लॉज, ठीक है, इन द इमीडिएटली बिफोर द कमेंसिंग डे और अमेंडेड बाय एनी लॉ स्पेसिफाइड इन दैट शेड्यूल, तो वो फर्स्ट शेड्यूल में सारे के सारे लॉज हैं वो भी तमाम के तमाम जो हैं वो इसके, उन पर भी इसकी प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होती, ठीक है। और इसके बाद आर्टिकल 8 का सबसेक्शन 4 ये कहता है कि कोई भी चीज जो पैराग्राफ बी ऑफ द क्लॉज 3 में मौजूद है उससे हटकर अगर कोई चीज होगी तो
विद इन अ पीरियड ऑफ 2 ईयर फ्रॉम द कमेंसिंग डे, ठीक है, उसके अलावा कोई चीज़ है तो उसको लॉ को स्पेसिफाइड करना है कॉन्फॉर्मेलिटी में, ताकि वो किसके तहत कॉन्फॉर्मेलिटी में आ जाए फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में। मतलब फॉर इंस्टेंस जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना था ना, तो देर वर सम लॉज कि जो कॉन्फॉर्मेलिटी में नहीं थे, तो उन लॉज को कन्फॉर्म किया जाए विद द फंडामेंटल राइट्स, विद द एक्सेप्शन जो आर्टिकल 8 के सबसेक्शन 3 में हमने मेंशन की, उसके अलावा। और लेकिन ये है कि इसके अलावा ये है कि अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर जो है वो अगर चाहे कि फिलहाल उन लॉज की जरूरत है, तो वो उनको 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर सकता है फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। आर्टिकल 8 का जो सबसेक्शन 5 है, वो ये कहता है कि जो इस चैप्टर में आर्टिकल मौजूद हैं, आपके राइट्स दिए गए हैं, वो सस्पेंड नहीं हो सकते एज एक्सप्रेसिवली प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, वो किसी भी हालत में सस्पेंड नहीं हो सकते। तो आर्टिकल 8 बेसिकली फंडामेंटल राइट्स की गारंटी की बात करता है, आर्टिकल 7 स्टेट की डेफिनेशन की बात कर सकता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।